दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, महीने के पहले दिन बड़ा झटका, एक ही बार में एलपीजी सिलेंडर 250 रुपए हुआ महंगा। जी हाँ, नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। कल एलपीजी सिलेंडर के दाम में एक साथ 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 2253 रुपए का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से अब बाहर का खाना महंगा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 10 दिन पहले 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 22 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था। अगली बड़ी खबर, नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के जिलों में सुधार, कटिहार को पहला स्थान, गया को दूसरे नंबर पर। जी हां, नीति आयोग की रिपोर्ट में भले ही बिहार को कई क्षेत्रों में पिछड़ा बताया जाता हो, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आयोग की फरवरी 2022 के डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में कटिहार को पहला स्थान मिला है। वहीं गया को दूसरा, मुजफ्फरपुर को तीसरा व खगड़िया को सातवां स्थान मिला है। कटिहार जिला हेल्थ और न्यूट्रिशन के सूचकांक पर 13 अंक पाकर देश में प्रथम स्थान पाया है, जो बिहार के लिए दोहरी उपलब्धि है। आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2022 की रैंकिंग में गया को द्वितीय, मुजफ्फरपुर को तृतीय, खगड़िया को सातवां, पूर्णिया का चौदहवां, सीतामढ़ी को 19वां, बेगूसराय को 48वां, शेखपुरा को 54वां, जमुई को 56वां, अररिया को 57वां, नवादा को 64वां, औरंगाबाद को 80वां और बांका को 79वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र खत्म, अब 11 अप्रैल से फिर शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। जी हां, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 31 मार्च को संपन्न हो गया। राज्य में एक बार फिर से 11 अप्रैल से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में दी है। आपको बता दें कि पिछले 25 फरवरी को विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ था। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम स्थगित किया गया था। सत्र के खत्म होने के बाद ये जनता दरबार का कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में हाईवे पर सफर हुआ महंगा, 65 रुपए तक बढ़े टोल टैक्स, जाने किन वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हां, नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही इसके लिए 2022-23 में टोल बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह 31 मार्च के रात 12 बजे के बाद प्रभावी हो गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। रक्षा वाहन, अग्निशमक, एम्बुलेंस, सब वाहन, वीआईपी साइन लगे वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने वालों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बड़ी खबर, बिहार में आईटीआई की पढ़ाई करने वाले 1.5 लाख छात्र छात्राओं को सरकार ने दी राहत। जी हां, बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले तकरीबन 1.5 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने आईटीआई के सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का फैसला किया है। शुक्रवार को श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी कि प्रावधान की अवहेलना कर 200 रुपये प्रति विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फीस वसूल किया जा रहा है। खासकर ये शिकायतें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मिली थी। अब सरकार के इस फैसले से यह तय है कि हर साल आईटीआई में नामांकन लेने और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, 10वीं में मिले अंक से असंतुष्ट छात्र करा सकते हैं स्क्रूटनी, बिहार बोर्ड ने घोषित की तारीख। जी, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। 2 अप्रैल से परीक्षार्थी स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो 2 यानी आज से 8 अप्रैल तक वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय उन्हें 70 रुपये बतौर शुल्क देना होगा। बिहार बोर्ड ने मुख्य परीक्षा के साथ कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा का कार्यक्रम
कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 2 से 6 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने में आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 0612223207 भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर, इन 5 राज्यों में शामिल हुआ बिहार, पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ खर्च, सचिवालय में बटे लड्डू। पहली बार बिहार का वार्षिक बजट खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वर्ष 2004-05 में कुल बजट 23,885 करोड़ रुपए था, जिसमें मात्र 20,058 करोड़ ही खर्च हुआ था। 2021-22 में बिहार का कुल बजट 2.18 लाख करोड़ रुपए था और राज्य सरकार 2,461.51 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने में सफल रही, जो कि पिछले वर्ष 2020-21 के व्यय से 21% ज्यादा है। आपको बता दें कि बजट राशि खर्च करने वाले 3 प्रमुख विभागों में शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 33,517 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग ने 13,586 करोड़ एवं स्वास्थ्य विभाग ने 11,285 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बड़ी खबर, अप्रैल माह में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज से लगातार 5 दिन बैंकों की छुट्टी। जी हां, बैंक के काम के लिए घर से निकलने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले कि कहीं आपका बैंक बंद तो नहीं है। दरअसल इस महीने में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए इन छुट्टियों की पूरी लिस्ट चेक कर लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, इसी क्रम में लगातार कल 1 अप्रैल से 5 दिन यानी 5 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे। दरअसल बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्यौहार या उन राज्यों में होने वाले त्यौहार पर भी निर्भर करती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अप्रैल के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों के छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख ले। इस लिस्ट के मुताबिक अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, लालू यादव की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, अब अगले सप्ताह आएगा फैसला। जी बड़ी खबर सामने आ रही है, रांची राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर होने वाले कल सुनवाई टल गई है, अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जज के नहीं बैठने से लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी है, अब अगले सप्ताह लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लालू की ओर से जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में ही बिता दी है। बड़ी खबर, बिहार सरकार दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर की करेगी ट्रैकिंग, तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। जी हां, बिहार से बाहर काम करने वाले दिहाड़ी व अन्य तरह के मजदूर की पहचान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा तैयार करेगा, जिसके बाद दूसरे राज्यों में काम करने वालों को खोजना बेहद आसान हो जाएगा। विभाग के मुताबिक कोरोना काल में 16 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्हें उनके गाँव के पास स्कूल या सरकारी भवनों में रखा गया था, जहाँ क्वारंटाइन रहने के दौरान मजदूरों को उनके स्किल के मुताबिक प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सके। इससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों को ट्रैक करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में लौटे इन सभी मजदूरों का नाम, पता और उनके स्किल को नए सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद उसके माध्यम से दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन कर उन्हें सूचना लिया जाएगा कि अभी वह मजदूर तत्काल कहां काम कर रहा है। इस सूचना के आधार पर उनके डेटा में कुछ बदलाव करना होगा तो वह किया जाएगा, जिसके विभाग के पास उस मजदूर की पूरी जानकारी रहेगी। साथ ही बिहार के मजदूर के लिए जल्द शुरू होगा 24 घंटे का कॉल सेंटर। अगली बड़ी खबर, रामनवमी 2022 के दिन पटना महावीर मंदिर में दिखेगा अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। जी हां, रामनवमी 2022 को लेकर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार रामनवमी के दिन मंदिर में अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए करीब आधे घंटे तक मंदिर के ऊपर व परिसर के आसपास पुष्प वर्षा की जाएगी। मंदिर में दर्शन को लेकर भक्तों की इस दिन भीड़ उमड़ती है, उनके ऊपर भी फूलों की बरसात की जाएगी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से रामनवमी समारोह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, इस बार मंदिर प्रबंधन ने धूमधाम से रामनवमी समारोह मनाने का फैसला लिया है, इसकी तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में खैनी ठोकने वाले शिक्षकों के सामने खैनी खाते समय पकड़े जाने पर होंगे सस्पेंड। जी बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के सामने खैनी खाना मास्टर साहब को महंगा पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग खैनी खाने वाले पर रोक लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा खैनी खाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और अगर उनके पास से तंबाकू बरामद हुए तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिली थी कि सुबह के सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान बड़े आराम से खैनी बनाते हैं और खाते हैं।
कहने खाने के बाद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कठोर फैसला लिया है। ऐसा करने वाले शिक्षकों ने तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द चुनौती और खैनी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू होगी ये बढ़ी हुई दरें। यह श्रम उन्मूलन की दिशा में नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के अंदर 2 करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया है। बिहार के अंदर दैनिक मजदूरी में 12 रुपए से लेकर 18 रुपए तक रोजाना की वृद्धि की गई है। यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने बढ़ती हुई महंगाई के आधार मानते हुए न्यूनतम मजदूरी में इजाफे की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि समान नियोजनों के तहत काम करने वाले अकुशल या अर्ध कुशल मजदूरों की मजदूरी में 12 रुपए, कुशल की 15 रुपए तो अति कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में रोजाना 15 रुपए का इजाफा किया है। जबकि पर्यवेक्षी और लिपिकीय कामगारों को 340 रुपए महीने के और अधिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। राज्य के स्कूलों में 8,000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। जी, बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आज के लिए आपका सवाल बताया कि लालू यादव को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।